वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज हम आपको बॉर्डर का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपने देखिए शुरू में यहाँ से स्टार्ट करना है, एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और थोड़ा सा गैप लेके यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुन देंगे। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और यहाँ गैप लेके सिंगल क्रोशिया से बुन देंगे इस तरह। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुन देंगे इस तरह से। एक दो तीन चार, चार बार हमने सिंगल क्रोशिया से बुन लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह चैन बुनेंगे और सोलह चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, ये देखिए। फिर हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन बुनेंगे और इसके बाद देखिए एक और दो, दो बल और यहाँ इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे। देखिए ये एक हो गया, इसके अंदर हमने बुन दिया। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और डबल क्रोशिया, डबल बार दो बार धागा लपेटेंगे यानी ट्रिपल क्रोशिया से। फिर से देखिए डबल ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे, तो देखिए दो हो गए, दो के बाद एक दो तीन, तीन चैन, फिर से दो बार धागा लपेटेंगे और हम फिर ट्रिपल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर एक दो तीन, दो बार धागा लपेटेंगे, फिर से इसी में बुनेंगे इस तरह से। देखिए एक दो तीन, तीन जाली बुन ली हमने। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चैन बुनेंगे और इसे यहाँ जॉइंट कर देंगे इस तरह। देखिए इस तरह से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ इस तरह से जोड़ेंगे। फिर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक दो, दो बल लेंगे और ये देखिए जो जाली है इस तरह से बन जाएगा। देखिए इसका लुक। फिर अब आपने देखिए इस जाली में यहाँ, यहाँ इसके अंदर आपने ट्रिपल क्रोशिया से 12 टाइम बुनना है यानी 12 बार बुनना है आपने। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और अब देखिए एक दो तीन, तो बारह से हम इसको शेप दे देंगे इस तरह, ये देखिए।
इस तरह से शेप दे दी है इस पत्ती की। आप देखिए इस सेकंड में हमने इस तरह से, आप देखिए इसको फिर से एक सिंगल क्रोशे से एक बार हमने इसके अंदर बुन लिया है, फिर चैन बुनेंगे एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और ये देखिए ट्रिपल क्रोशे से हमने इसमें बुनना है एक दो तीन, देखिए तीन बार बुन लिया और एक चैन मिलाकर अब इसको शेप देंगे एक दो तीन और इसे इसी में इस तरह से इसको पत्ती की तरह शेप दे देंगे। देखिए फिर फ्रेंड्स देखिए इसमें इस तरह से, देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, फिर हमने ट्रिपल क्रोशे से इसमें बुनना है एक दो तीन चार पांच, देखिए ये पांच बार हो गया, फिर एक दो तीन चार पांच, पांच बार बुनेंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें यहाँ से ये जो आपने चैन बुनी थी यहाँ से इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे फ्रेंड, तीन चैन बुन ली हमने। तीन चैन बुनने के बाद देखिए ये जो हमारी पत्ती है यहाँ हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। फिर देखिए इसे पलट देंगे, पलटने के बाद दो बल लेंगे और देखिए ये जो हमने बनाई था पांच चैन इसके अंदर से हमने इस तरह से एक दो, दो बार बुनेंगे और इसे शेप देंगे एक दो तीन चैन बुनेंगे इस तरह से। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और दो बल लेके, देखिए दो बल लेके फिर से हमने एक पत्ती बनानी है एक ट्रिपल क्रोशे से हमने एक बार बुना है ये दो, दो के बाद देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसे शेप देंगे इस तरह से। फिर देखिए एक दो तीन, एक और दो, दो बल लेंगे, फिर से हमने ट्रिपल क्रोशे से दो बार बुनना है एक दो इस तरह से। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने एक और दो, दो बल लेने हैं और अब देखिए जो जाली है इसमें आपने बुनना है, इसमें आपने चार बार बुनना है, देखिए इस तरह से एक दो तीन चार, और चार के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने एक दो तीन, तीन चैन बुननी है और इसे शेप देना है इस तरह, जैसे ये पत्ती थी इसी तरह ये भी बन गई है देखिए। फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह से जॉइंट करना है, फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, दो बल लेंगे और इस तरह से जैसे फ्रेंड्स हमने ये बनाया था 12 टाइम यानी 12 बार हमने ये बुना था ट्रिपल क्रोशे से, इसी तरह से हमने इसमें बुनना है। तो दो हो गए, तीन,
चार, पांच। फ्रेंड्स इस तरह से मैं ये 12 बार बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने 11 बुन ली हैं। अब देखिए 12वां कैसा बुनेंगे, 12वीं जो बुननी है हमने, देखिए कैसे बुनेंगे। अब आपने देखिए दो बल लेने हैं और ये देखिए यहाँ से इस तरह से और इसके बाद देखिए यहाँ से आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से इस तरह से और देखिए इस तरह से हमारी देखिए पत्ती तैयार होगी। देखिए इस तरह। अब देखिए फ्रेंड्स हमने, अब हमने देखिए फिर से एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और ये देखिए थोड़ा सा गैप लेके फिर से हमने सिंगल क्रोशे में बुनना है। फिर एक दो तीन, फिर देखिए सिंगल क्रोशे से इसको इस तरह बुनेंगे। फिर एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर सिंगल क्रोशे बुनने के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह बुनेंगे। सोलह के बाद देखिए आपने देखिए फिर से इस तरह से इस तरह बुनना है। सोलह के बाद देखिए इसे पलट देंगे, फिर से आपने आठ चैन बुननी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर देखिए दो बल लेंगे और इसमें इस तरह से बुनेंगे। फिर एक दो तीन, फिर तीन चैन बुनेंगे, फिर दोबारा से इसी में बुनेंगे ट्रिपल क्रोशे से। फिर एक दो तीन, दो बल लेंगे, फिर इसी में बुनेंगे। फिर एक दो तीन, फिर देखिए इसमें बुनेंगे एक दो तीन, तीन जालियां बन गई। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ चैन बुनेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ इस तरह से हमने इसको जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरह से बनेगा कुछ। अब इसे पलट देंगे फ्रेंड्स, करने के बाद देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से जॉइंट करेंगे और इसे पलट देंगे। फ्रेंड्स फिर हमने दो बल लेना है और देखिए इसमें बुनना है। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। देखिए फ्रेंड्स ये नौ बार बुन लिया हमने, हमने इसमें 12 बुना था लेकिन अब हम इसको इससे ज्वाइंट करेंगे। तो नौ बार बुनेंगे, नौ बार बुनने के बाद देखिए इसे ज्वाइंट कैसे करेंगे। हमने यहाँ से भी नौ छोड़ने, नौ से ही जोड़ना है। तो ऊपर से गिन लीजिए ये 12 है, तो एक दो तीन चार, ये चार बुनने के बाद दो चार के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से आपने इसको देखिए इस तरह से इसे जोड़ना है। इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए
9 हो गए थे, हमने इसमें 12 ही बुनने हैं, तो हम और बुनेंगे अब इसमें 10, 11 और ये 12। फिर इसकी शेप दे दीजिए, 1, 2, 3, 3 से इसकी शेप हो जाएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए जैसे ये तैयार हो गया था, ये भी इस तरह से तैयार हो गया। बस हमने इसमें इसको जोड़ लिया है। और अब फ्रेंड्स जोड़ने के बाद देखिए, जैसे मैंने ये पत्तियां बनाई हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें इस पे बनानी है। तो मैं ये आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से ये पत्तियां मैंने बनाई थी, इसी तरह देखिए मैंने यहाँ भी रिपीट कर ली है। देखिए अब बस फ्रेंड्स आपने एक ही पत्ती समझनी है और आपने इसे रिपीट करना है, और इसे हर 9 के बाद आपने इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ से 9 गिन लिया और यहाँ से 9 गिन के ज्वाइंट कर दीजिए। बस आपने यही पत्ती बनानी है फ्रेंड्स। देखिए देखने में तो थोड़ी हार्ड है, लेकिन बनाने में बहुत ही सिंपल है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी पत्ती वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।